वो एक वहाँ पे कमाली रहती थी, उस कमाली के हाथ में वो पानी दे दिया और कहा कि तुम ये पी लो भाई, मैं चमड़े का पानी पी के क्या करूँ। मैंने उनसे भक्ति मांगी, उन्होंने मेरे को पानी दे दिया। अब वो पानी जो ही उस कमाली ने पिया, पहुंच गई वो तो भक्ति के उस प्रेम के दरवाजे में और वो तो मस्त होके आनंद में होकर के रह गई। बाद में सेठ घर पे गया, उसको पूछा गया, बोले आपने क्या किया, इतने बड़े भक्त ने आपको प्रसाद दिया और आपने वो प्रसाद किसी और का दे दिया। बोले मेरे से गलती हो गई। बोले वही तो उनने कृपा करी थी। आए कबीरदास जी, सेठ जी दौड़े दौड़े ने कबीरदास जी को पूछे, बोले वो पानी कहाँ गया, तो कमाली के पास गया और तब तक कमाली की शादी होकर के वो मुल्तान चल गई। बोले पिया पिया सो पी गया, वो पानी मुल्तान गया। पिया पिया सो पी गया, जिसने पीना था उसने पी लिया और वो तो मुल्तान चला गया, वो मुल्तान शादी हो गई। तो जिसके पास भक्त किसी पर कृपा कर दे तो सोचिए भगवत प्रेम अवश्य मिलेगा। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, तो संत की कृपा इतनी बड़ी चीज है और वो संत की कृपा कहिए, भक्त की कृपा कहिए, वो आज हम सब पर 3 दिन से हो रही है और हम नरसिंह भगत के गुणगान गा रहे हैं। जैसे एक माला होती है, ठीक है, आप मुझे बोलने कहेंगे बहुत देर बोल जाऊंगी मैं और आज काफी पाठ करना है। एक माला में सूत होता है, फुंदना होता है, मणि होते हैं और गांठ होती है, 4 चीज होती है ना, लेकिन उसे कहते क्या है, एक माला, ठीक है। और उसमें सबसे ज्यादा न दिखाई देने वाला है वो सूत, क्योंकि वो सूत उन सब मणियों को पिरो के रखता है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। वैसे ही भगवान, भगवत तत्व, ये 4 चीज जो हैं भगवान, ये भगवान सबसे ज्यादा दिखाई नहीं पड़ते हैं, हमें भक्त दिखाई पड़ जाते हैं, उनके गुरु दिखाई पड़ जाते हैं, भक्ति दिखाई पड़ जाती, लेकिन माला जैसे नहीं दिखाई पड़ती वैसे भगवान दिखाई नहीं पड़ते। पर जैसे पूरी माला एक होती है वैसे ही भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जैसे अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात बीच में मेरे माथे में आ गई। मैं स्वामी जी महाराज के पास गई थी एक दफ़े, तो महाराज जी ने ये कहा कि महाराज जी का हमने प्रवचन रखने की कोशिश करी तो सबसे पूछा भाई कौन सा समय रखें, तो बोले भाई सुबह तो मत रखो, सुबह तो मोटा राना माना रसोई करनी पड़े, मोटा राना ऑफिस जाना पड़े, बोले सिंजाना रख ले माँ, बोले सिंजाना मत रखो क्योंकि सिंजाना ना फिर लुगाया ना पाछो जानो पड़े, रसोई बनानी पड़े, ऑफिस आता था देरी हो जावे, तो बोले सबसे फालतू टाइम कौन सो है, अभी टाइम पर आप सत्संग रख ले माँ, सब लोग बताओ थकना कौन सो फालतू टाइम है, जहाँ सब बोल बाला गया। बोले जब सत्संग करने के लिए था ना टाइम ही नहीं है, वो टाइम को नहीं सूट करे, वो टाइम को नहीं सूट करे, तो कौन से टाइम, जबकि सबसे बड़ी चीज ये है कि सत्संग ही एक समय लेने वाली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, उसे हम भूल बैठे हैं। अभी हम शव हैं, अगर हमारे से शिव निकल जाए तो हम शव हैं, आप क्या करेंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे अंदर बैठा हुआ शिव, हमारे अंदर बैठा हुआ प्रभु आपके अंदर बैठे प्रभु को सुना रहा है, तो किसकी किसका अहंकार लेके बैठते हैं, क्योंकि भक्ति में सबसे ज्यादा बाधक अहमता और ममता है, मैं और मेरा है, और ये मैं और मेरा ऐसा लेके हम घूमते हैं जैसे हम तो कांच में देख के ऐसा लगते हैं हमारे जैसा कोई नहीं है, अरे हमारे तुम्हारे जैसे ऐसे 560 नहीं लाखों करोड़ों घूम रहे हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, मैं पता ही नहीं लगता है, बाथरूम में जाते हैं ढें, उठते हैं ढें, रोज का सुनते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम नहीं जाएंगे, वो गए मैं नहीं जाने वाला, सबके मौत खड़ी दरवाजे पर है लेकिन हम नहीं पहचानते। अगर हम ठाकुर जी को पहचान लें तो आज हमारी दशा ये न हो। कहा जाता है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्थानम आचरित, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वाम हरिम भजेत। महाराज जी कहा करते थे 100 काम छोड़ करके भोजन करो, लेकिन जितने बिजनेसमैन हैं उनको भोजन की टाइम नहीं रहती, कड़े कड़े खा लेते आजकल तो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरित, लक्षम विहाय दातव्यम 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो, जो आप सब लोग दान के लिए अभी याचना कर रहे हैं, 1,00,000 काम छोड़ के दान करो, और सबसे ज्यादा क्या,
कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे, करोड़ काम छोड़ करके भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ये हरि भजन जिसके आ जाता है, ये हरि है उसके अभाव को हरण करने वाला। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, ये हरि में ही इतनी ताकत है कि वो दे देता है। इसलिए हरि भजन करोड़ काम छोड़ के करें, और आज हम सब लोग, आप सब लोग मिल करके हम वही काम, करोड़ काम छोड़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हरि भजन में भगवान की गाथा सुन रहे हैं। अब इस गाथा में मैंने आपको पहले भी कहा कि ये शरणागत भक्त की कथा है। शरणागति कहाँ से आते हैं ये बताइए। सब लोग कहते हैं मैं भगवान की शरण 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 में, शरण तिहारी शरण शरण में, सब शरण है ना, यहाँ पे जितने बैठे हाथ उठाइए, सब भगवान की शरण है ना। भगवान की शरणागति का अर्थ समझिए, भगवान की शरणागति जिसको आ जाती है वो निश्चिंत हो जाता है। चार चीज, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है और निशंक हो जाता है। क्या? निश्चिंत, निर्भय, निशोक और निशंक। शंका नहीं, दृढ़ विश्वास, अडिग, जिसके अंदर अडिग दृढ़ विश्वास है वो निश्चिंत हो जाए, वो शरणागत भक्त। जिसे मान अपमान नहीं वो शरणागत भक्त, और जिसे पूर्णतः जो कुछ हो रहा है उसकी स्वीकृति, वो शरणागत भक्त। और वो कौन था? नरसिंह मेहता। ये जितने भक्त आपको कह रहे हैं वो सब निश्चिंत है, जिसे अपने लिए कुछ कर रहा ही नहीं होता, वो करा रहा होता है थोड़ा थोड़ा धीरे, वो अपने लिए करा रहा होता है, वो दूसरे के लिए नहीं कुछ करता। इतना दृढ़ विश्वास भगवान के अंदर रहता है कि भरोसा दृढ़ इन चरणन के रूप, भरोसा इन ठाकुर जी का होता है। और भगवान कितने सस्ते मिलते हैं सोचिए, जो निश्चिंत होकर के कर रहा है उसे क्यों भरोसा होता है, क्योंकि भगवान बहुत सस्ता मिलता है। और सस्ता क्या है? भाव के भूखे, किसके भूखे? भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है। अब पता ही कितना सस्ता मिला है, जिन विचारों को लेकर के आप इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं वो सब दिया हुआ समाज का एक अभिशाप है, जिसके कारण से टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, हार्ट अटैक आता है। और भाव श्री राधा रानी का दिया हुआ एक तोहफा है। भाव अपने आप आते नहीं, आप बैठ के कहिए आजा भाव, कोई आप भाव वाला वाला को नहीं, पाठ कर करके देखिए भाव नहीं आते। अगेन वो भाव प्रेम का ही है, पूर्ण रसराज स्वरूप श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी की कृपा हो तब जाकर के कहीं हृदय से भाव उठता है, तब कहीं हृदय पिघलता है। भाव मतलब क्या? भाव है जी, मैं एक दफ़ा पूछी यहाँ पे बम्बई में, एक बहुत बड़े करोड़पति नहीं अरबपति थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए ये भाव की क्या कीमत है, दिल की और भाव की, हृदय की? बोले कुछ नहीं है जी, हमारे इधर तो कीमत यह कि दिल थप 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 करता है, एक दिन बंद हो जाता है, भाव शेयरों का होता है, भाव शेयरों का होता है, दिल थप थप करके बंद हो जाता है, हमारे यहाँ इतनी कीमत है। बात सच्ची है, बंबई में भाव कहाँ ही भावरिया, हाँ जी शेर का है भावरिया, बत्तू, भाव की ये कीमत ही नहीं है। मैंने कहा उठ राजू पगली, उठा अपने सारे हीरे मोती और गठरी, उठा और गठरी उठा करके ले चल अपने गांव वृंदावन, यहाँ पर तो भाव का कोई खेला ही नहीं है, यहाँ पर तो खेल है। जब आज बाबू जी भी पूछने लगे तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता कैसे कथाकार होते हैं, क्या आप लोग बोलते हैं, क्या बुलाते हैं, मैं तो अपनी छोटी सी ये गठरी लेकर के श्री नरसिंह जी की कथा सुनाने आई हूँ, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। और जिनके पास केवल भाव है और कुछ नहीं है, जिस प्रकार ये भाव कैसे पैदा हो, ये किसी दिन आप लोग कुछ प्रश्न करें, ये तो कथा रह जाएगी और मैं भाव पैदा होने की कथा बता दूंगी, हमें मायरे की कथा करनी है। ये भाव पे मैंने इसलिए आज मुख्य ध्यान दिया है कि आज नानी भाई और नरसी जी जो करण पुकार करने वाली हैं, शरणागत भक्त कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं है, फिर लगेगा अरे भगवान का नरसिंह जी ने क्यों पुकार करी मायरे के लिए, एक प्रश्न उठ सकता है भाई, शरणागत भक्त अपने लिए नहीं मांगता, फिर नरसिंह जी ने क्यों मांगी? बोलिए, नरसिंह जी ने अब खुद नहीं मांगी, खुद मांगना होता तो जब मायरा भरने के लिए तभी मांग लेते, उन्होंने नहीं मांगी। पर जब नानी बाई ने जाकर के
खूब करुण पुकार करी, खूब सुनाया, खूब इतने रोई हैं, इतने कहा कि ऐसा कैसा आपका ठाकुर है जो आप जिसके भरोसे रह रहे हैं, वो कोई है ऐसा जो कि आपका मायरा भरेगा। जब इतनी बात ठाकुर को सुनाई तब उनको लगा उनके संत के हृदय में, भक्त के हृदय में दूसरे के दुख को देख करके करुणा पैदा हुई और नानी बाई को राजी करने के लिए उन्होंने मायरे की करुण पुकार करी। खुद के लिए नहीं करी, खुद तो मान अपमान सही रहे थे, लेकिन जब नानी बाई ने खूब करुण पुकार करी तब नरसी जी ने टेर लगाई कि आज तक इतनों के काम किए, मेरे क्यों नहीं किया, मेरे मतलब नानी बाई के। हे प्रभु, आज कहा है कि मायरो लेकर साथ आई जो भर जा मायरा कन्हैया तेरा क्या घट जाएगा, भर जा मायरा, भर जा मायरा कन्हैया तेरा क्या घट जाएगा, भर जा मायरा, भर जा मायरा कन्हैया तेरा क्या घट जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, भर जा मायरा, भर जा मायरा कन्हैया तेरा क्या घट जाएगा, भर जा मायरा। नरसी जी विनती कर रहे हैं ठाकुर जी से और बधावा गा रहे हैं, दुनिया को छोड़ मैंने तुझको पुकारा रे, दुनिया को छोड़ मैंने तुझको पुकारा रे, तेरा ही भरोसा मुझे तेरा ही सहारा रे, तेरा ही भरोसा मुझे तेरा ही सहारा, हंसले जमाना इसमें मेरा क्या घट जाएगा, हंसले जमाना, हंसले जमाना इसमें मेरा क्या घट जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, भर जा मायरा, भर जा मायरा कन्हैया तेरा क्या घट जाएगा, भर जा मायरा। हो हो दयालु हो तुम करुणावतार है, दानी है दयालु है तू करुणावतार है, माया है अपार तेरी महिमा अपार है, माया है अपार तेरी महिमा अपार है, देख एक देख एक बार मेरा जीवन कट जाएगा, देख एक बार, देख एक बार मेरा जीवन कट जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, भर जा मायरा, भर जा मायरा कन्हैया तेरा क्या घट जाएगा, भर जा मायरा, भर जा मायरा, भर जा मायरा। कान में किसी ने आके कह दिया कि आपके डेरे पर गिरधर आ गया, न कुछ आव देखा न ताव, चल पड़े अपनी सांस उसांस भागते दौड़ते घर आए, घर आकर देखा तो डेरे गिरधर दिसो नहीं,
गिरधर जी को साथ आरत कर टेरत भयो, अरे मैंने इतनी दिन से बुलाया। अब नरसी जी के मन में टेर उठी कि इतनी नानी बाई हो गई, इतनी नानी बाई रो पड़ी, इतना सब हो जाएगा। अब नरसी टेरत हो मीड़त दो न्यू हाथ, अब हाथ जोड़ के नरसी जी ने टेर शुरू करी। हो गया बहुत भजन, हो गई सब बात उन्होंने करनी और ऐसी टेर लगाई, सांवरिया हे सांवरिया महारी सुन ले रे बात। नरसी जी रे अठी नब टेर लगानी शुरू करी और नरसी जी रे ले रे गयो बुला बोला करो तैयारी माए रो सब आया न्योता। सुन नरसी चक्रत भय कर लई मृदंग ताल, ऊंचे सुर में टेरत भयो गावत गुण गोपाल। हे हरि 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 हे हरि। अब कहा, अब उनका भरोसे दिलाने लगा, अब उन्हें गिनाने लगे नरसी जी कि मैं छोड़ के आया मैंने, अरे यहाँ तो मायरे का बुलावा आ गया और अभी तक तू नहीं आया, मेरे तो बड़ो भरोसो धारो था। हे हे नाथ बड़ो भरोसो धारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो थारो, बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो थारो, दुष्ट दुशासन हार्यो रे सावरिया, सावरिया बड़ो भरोसो थारो रे सावरिया, बड़ो भरोसो थारो। जल डूबत गजराज उबारो, जल डूबत गजराज उबारो, आरत हो या पुकारो हरी बड़ो भरोसो थारो, बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया, बड़ो भरोसो थारो। नरसी कहे सुनो सांवरिया, नरसी कहे, देखिए ये सारी सारी भक्त के मन में अब करुणा उपज गई, अब उनका दिल करुणा से भर गया है। इतनी देर मस्ती में थे लेकिन अब ऐसा लगा कि मायरे का बुलावा आ गया, अब मेरो नहीं थारो नाम लासी,
मेरो नहीं कलखा दीन दयाल सुने जबते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं कोई दूजो जसी है। अब सांवरिया मेरी हसी नहीं तेरी हसी है। ये इतना बड़ो भरोसो थारो रे सांवरिया बड़ो भरोसो थारो। फिर प्रेम से बुलाते हैं आव आव सांवरिया थान नरसी बुलावे रे गोविंद बेगोवा। अब आव सांवरिया थान नरसी बुलावे रे।